नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में शनिवार को हुए मतदान के बाद अब सभी राजनीतिक पार्टियों की नजरें अंतिम सातवें चरण पर टिक गई हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के दल के साथ मिलकर जो है अंतिम चरण के चुनाव प्रचार में जुटी है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में कहा कि 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। तब सपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि जैसे दलितों, पिछड़ों और लोगों को जो है आरक्षण मिला है, वैसे ही मुसलमानों को भी आरक्षण दिया। वहीं आपको सुनाते हैं कि आज मिर्जापुर में योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। ये हम सबका सौभाग्य है कि हम सबको आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जो आज दुनिया की एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हुआ है, एक ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर अपना सम्मान मजबूती के साथ बढ़ाया है। 10 वर्ष में जिस भारत ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया है, 10 वर्ष के अंदर जिस भारत ने विकास के नए नए प्रतिमान स्थापित करने का काम किया है, 10 वर्ष के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से चेहरा देख करके नहीं, जाति, मत और मजहब देख करके नहीं, बल्कि सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के माध्यम से 140 करोड़ जनता को परिवार मान करके भारत के विकास में उनका योगदान हो सके और भारत अपने नागरिकों के जीवन में खुशहाली ला सके, इस विश्वास के साथ कार्य किया है। बहनों और भाइयों, आज इस नए भारत में विरासत है तो विकास भी है। इनके इरादे कितने खतरनाक हैं, इससे जुड़ा एक नया खुलासा मैं आज कर रहा हूं। 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय जनवरी महीने में सपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। 2012 तब सपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, जैसे दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण मिला है, वैसे ही मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। ये सपा ने 2012 के घोषणा पत्र में कहा था। सपा ने डंके की चोट पर कहा था कि वो इसके लिए संविधान तक बदल देगी। ये थी उत्तर प्रदेश की तस्वीरें। अब हम आपको बिहार की तस्वीरें दिखाते हैं। बिहार में भी राजनीतिक पारा अपने चरम पर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 2005 से पहले जहानाबाद में क्या हो रहा था, ये तेजस्वी यादव क्या जाने। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि राजद नेता तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी की सरकार जा रही है। अब बात करते हैं इस आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद पहले सुनिए, उसके बाद आगे बात करते हैं कांग्रेस की। तो बोल रहे हैं ऑन 4 जून इंडिया इज कमिंग, इंडिया गवर्नमेंट, हमारा गठबंधन इज कमिंग ऑन 4 जून एंड बीजेपी स्विंग सून गोइंग ऑन 4 जून। हम तो बोल ही रहे ना,
कि हम लोग 300 पार जा रहे हैं। बिहार ने जंगल राज देखा, आप भूल गए होंगे, जहानाबाद में 3 बजे के बाद 2005 से पहले न कोई आता था न कोई जाता था। बोलो मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो जोर से बोलो हाँ। ये सच था कि नहीं था? बोलो, किसान पलायन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? बोलो, हत्याएं हो रही थी कि नहीं हो रही थी? बोलो, अपहरण हो रहा था कि नहीं हो रहा था? बोलो, फिरौती मांगी जा रही थी कि नहीं मांगी जा रही थी? ये बच्चा तेजस्वी क्या जाने बाप के कारण, इसको क्या पता, ये क्या जाने कि क्या बिहार को दंश सहना पड़ा है, क्या बिहार को मुसीबत सहनी पड़ी है? आप भूल गए होंगे, मैं भूलने वाला नहीं हूँ। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश के नाहन में, उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हमें वादा किया था कि वह 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमने पता लगाया है कि 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं और वो 30 लाख नौकरी हम आपको देंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। नरेंद्र मोदी जी ने हमें वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, कुछ नहीं हुआ। सरकारी रोजगार, सरकारी प्लेसमेंट्स नहीं होती हैं, पेपर लीक होते रहते हैं, हमें झूठ बोला जाता है, हमारा क्या होगा? सबसे पहले हमने पता लगाया है 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, वो 30 लाख नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे। मैं आपको 2 करोड़ का झूठ नहीं बोलूंगा। हमने पता लगाया है जो हम कर सकते हैं, मैं आपको बोलूंगा। तो 30 शुरुआत 30 लाख सरकारी नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे। दूसरी बात मनरेगा में हम गरीब लोगों को अधिकार देते थे रोजगार का, मगर जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, कॉलेज ग्रेजुएट्स, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स, उनको मनरेगा योजना से फायदा नहीं होता क्योंकि वो मजदूरी नहीं करेंगे, वो ग्रेजुएट्स। तो अब हम हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स के लिए एक नया अधिकार लाने जा रहे हैं। इसका नाम है पहली नौकरी पक्की। तो जिस तरीके से आपको भी जानकारी है कि 6 चरणों में मतदान पूरा हो चुका है और अब सभी राजनीतिक जितनी भी पार्टियां हैं सभी की नजरें अंतिम चरण पर टिकी है, और इसी विषय पे आज हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिसमें बीजेपी से आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं कांग्रेस से हमारे साथ छवि राज जी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आरएन न्यूज पर। जी, तो शुरुआत करते हैं आलोक जी से। आलोक जी, जिस तरीके से देश में 6 चरणों का मतदान जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अब सभी राजनीतिक पार्टियों की जो नजरें टिकी हैं वो आखिरी चरण पर टिकी हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां और जो है बीजेपी की ओर से अभी है बाकी है? देखिए निकिता जी, 6 चरणों का चुनाव हुआ है, उसमें जनता के आशीर्वाद से हम वो मेजोरिटी से बहुत आगे जा चुके हैं जो सरकार बनाने के लिए चाहिए। अब 7वें चरण में तो हम और कितना रिकॉर्ड आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य 400 पार क्या है, हम वो 400 के कितने नजदीक आ सकते हैं, अब सारी कवायद उसके लिए हो रही है। प्रधानमंत्री द्वारा, नड्डा जी द्वारा और हमारे अन्य नेता और हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा जनता का आशीर्वाद तीसरी बार सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनाने का हमको 6 चरण में मिल चुका है। हम ऑलरेडी 350 से ऊपर जा चुके हैं जनता के आशीर्वाद। जी छविराज जी, इंडिया गठबंधन कितना सफल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 6 चरणों में मतदान हो चुका है और अब सिर्फ एक आखिरी चरण जो है वो बाकी है। छविराज जी, अपनी पूरी जिम्मेवारी और दायित्व के साथ एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते पूरी जिम्मेवारी और दायित्व के साथ इस बात को कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो अपने प्रदर्शन में उच्च से उच्चतम स्थान प्राप्त करने जा रही है, क्योंकि मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी ने चलाई थी उसको जनता ने सराहा है, और जो इन लोगों ने नफरत का बाजार खोल रखा था इस पूरे भारत में
भारत की जनता ने उस नफरत के बाजार को एक तरफ कर करके राहुल गांधी जी के हाथ से हाथ को मिलाया है और 30 लाख नौकरी के वादों को उन्होंने सपना नहीं ढकोसला नहीं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को आज सपा की बातें याद आ रही हैं 2012 की, क्योंकि मुझे आदत है पॉइंट वाइज बात करने का, मैं बिना सर पैर का बात कांग्रेस करती नहीं करती, इसलिए आज जो नरेंद्र मोदी जी को 2012 का याद आ रहा है मैं वो याद दिलाना चाहता हूं कि सरकार बनने से पहले वो पूछा करते थे डॉलर की कीमत, आज भूल गए हैं शायद, एक बार और याद दिलाने की आवश्यकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार बनाने से पहले 2 करोड़ नौकरियों का वादा, भूल गए हैं शायद, मैं याद दिलाना चाहता हूं। याद दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से जीएसटी पर उभरा देश का गुस्सा, मैं याद दिलाना चाहता हूं जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने कहा था नोट बदलने से जो फायदा होगा, नहीं तो किसी चौराहे पे मुझे बुला लेना, मैं वहां खड़ा होऊंगा। आज पूछना चाहता हूं कि क्या नरेंद्र मोदी जी ये सारी बातें भूल गए? क्योंकि आलोक की बात को हर वक्त बरगलाना और एक ठंडे रूम में बैठ करके गर्म बातों को करना, ये हमारी कांग्रेसियों की फितरत नहीं, ये जमीन कांग्रेस की है और ये नहीं, मैडम मेरी पूरी बात सुन ले, ये जमीन कांग्रेस की है, ये देश कांग्रेस का है और देशवासी जो है वो कांग्रेस को चाहते हैं। झूठे वायदों और झूठे बातों को सुन के बरगला जाने वाली हमारी है जनता इतनी भोली है कि इनके झूठे वादों को और फरेब को समझ नहीं पाई और 2014 में छली गई और आज 2012 की याद दिला रहे नरेंद्र मोदी। तो मैं एक बार आपको फिर से कह देता हूँ, 30 लाख नौकरी की जो बात कही है राहुल गांधी जी ने, उसके प्रति पूरा जनता जो है वो एक तरफ है और हमारे देश के युवा, मैं एक बार फिर कहूंगा कि नौकरी की चाहत में आज दर दर भटक रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी पकौड़े छनवाने की बात करते हैं तो पकौड़ों से दूर ये देश की जनता बतलाना चाहती है कि नफरत की बाजार जो है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह दोनों लोगों की, ये जो नफरत की बाजार थी उसको जनता ने ठुकरा कर 44 डिग्री सेल्सियस में वोट एक तरफा करके इंडिया गठबंधन को चुनाव की इस रणचंडी में उनको हराने का काम किया है। जी जी आलोक जी, जवाब दीजिए सर। सीधा सीधा कह रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन है, जो कांग्रेस की सरकार है, वो अपने वादों पर खरा उतरती है। निकिता जी, मेरे भाई ने अभी कहा कि आलोक जी एयर कंडीशन में बैठ के बातें करते हैं। एयर कंडीशन कल्चर कांग्रेसियों का कल्चर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के नेता और वर्कर्स का खेत खलियान उसका ऑफिस होता है। आज यही कारण है कि हम विश्व के सबसे बड़ी पार्टी हैं और सबसे बड़ी फौज कार्यकर्ताओं की हमारे पास है। ये हमारी मेहनत, कठिन परिश्रम, पसीना बहाने का फल है और आज भी कार्यकर्ताओं को तो छोड़िए, जिस तरीके का धुआंधार प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी कर रहे हैं, कांग्रेस के किसी के नेता में इतनी कुवत नहीं है, इतनी दम नहीं है, इतना उसके अंदर हौसला नहीं है कि उस तरीके से वो कैंपेनिंग कर सके। आलोक जी, लेकिन जी आलोक जी, लेकिन विपक्ष जो है लगातार नौकरी को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर मुद्दे उठाता है, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बेरोजगारी, महंगाई, इस पर ये पिछले 3 चुनाव से हल्ला कर रहे हैं और ये इस राग को बजा रहे हैं और 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता प्रबुद्ध है, वो समझती है वैश्विक स्थिति, वो समझती है विश्व में किस तरीके का इन्फ्लेशन का दौर चल रहा है और उन कठिन परिस्थितियों में किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने भारत की इन्फ्लेशन के दर को 4.25 से ऊपर नहीं जाने दिया है। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, इन्फ्लेशन का दर 11.20% था और 2014 से लेकर 24 तक इन्फ्लेशन दर 4.25 से ऊपर नहीं जा सका है। तो आज पूरे विश्व में जितने भी विकसित देश हैं सबका इन्फ्लेशन डबल डिजिट में है, लेकिन भारत 4.25 पर ही स्थिर है और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के खड़ा है। अगले साल हम 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ऑलरेडी हम $3,700 पर पहुंच चुके हैं, हमसे आगे सिर्फ जापान है जो $4,100 पे है और जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं अगले साल हम जापान को पछाड़ के 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़े हो जाएंगे और
उसके बाद तीसरे के दौर में भी शामिल होने के लिए हम पुरजोर कोशिश करके उसको भी हासिल करके रहेंगे। तो देश की जनता ये सारी बातें समझती है, जानती है। कांग्रेस ने देश के सामने साथ साथ मैनिफेस्टो सात दलों से पेश किया है। जनता ये जानना चाहती है कि आपका नेता कौन है, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। छवि जी अपने आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना के पेश कर रहे हैं, लेकिन इनके सहयोगी दल में किसी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हाँ, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के रूप में कबूल है। बिल्कुल छवि राजू, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ है उसमें ये एक मुद्दा जो है लगातार बीजेपी की ओर से उठाया जाता है कि अगर आपको पूर्ण बहुमत मिल भी जाता है और आपकी सरकार भी आती है तो आखिर आपकी तरफ से प्रधानमंत्री का जो चेहरा होगा वो कौन होगा। मैडम, चूंकि लोकतंत्र के हत्यारे हैं ये, और लोकतंत्र के हत्यारे क्या बताएंगे कि लोकतंत्र चलता कैसे, और संविधान को मिटाने वाले आज समझाएंगे कि पहले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चेहरा दिया जाता है। अरे ये नया ग्राफ है एलईडी के माध्यम से जनता तक पहुंचने वाले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग हैं, और इन लोगों से अब समझना है कि संविधान कैसे चलेगा, 70 सालों तक संविधान कैसे चलता है। ये देखिए उल्टी गंगा बहाने की कोशिश इन लोगों की है, गंगा से गंगोत्री तक, ये गंगोत्री से गंगा तक पहुंचना नहीं चाहते। पहले कोई भी, आप जान लीजिए कि इस लोकतंत्र में जीते हुए जो सदन के मेंबर होते हैं वो प्रधानमंत्री को चुनते हैं, इनका तो तरीका उल्टा है। प्रधानमंत्री के नाम पे वोट मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री हमारे फलाना होंगे, मुख्यमंत्री हमारे फलाना होंगे, तो फिर जनता किसको चुन रही है? जनता एक प्रतिनिधि चुनती है, और लोकतंत्र का यह बहुत बड़ा पर्व है यह चुनाव, और इसमें जब चुनती जनता और जनता चुन के सदन में भेजती है तो ये उसकी दायित्व तो उसकी जिम्मेवारी है कि वो नेता किसको बनाता है सदन का, ना कि आप डिसाइड कर दे कि हम ही नेता बनने वाले और हमको बनाइए। ये उल्टी गंगा हम लोग नहीं बहाते। आलोक जी, अगर देखा बात, जाए बार बार एक बात नहीं बार बार एक इनकी इनका जो आरोप है कि कभी दूसरों पे दाग लगाना, छींटाकशी करना, तो आज चीन की दीवारें आपने खड़ी कर दी हैं या चीन को अंदर घुसा लिया है, इनका झूला झूला रहे हैं, काहे को दावत खाने पाकिस्तान जा रहे हैं। मुद्दा है इस सब तरह की बातों से अब देश की जनता को बरगलाना आप बंद करें, क्योंकि जनता होशियार है, समझदार है, बौद्धिक रूप से सक्षम है इन बातों को समझने के लिए, जिनको आप लगातार देश की जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं। आप आज एक तरफ भारत की इकोनॉमी की बात करते हैं और 80 करोड़ देश की जनता आज मजबूर है 5 किलो अनाज के लिए, और यही देश की अगर आप मानते हैं कि इससे देश मजबूत हुआ है तो ऐसा मजबूत भारत कभी भी नहीं चाहता था। ये भारत का जो तुलना है आप पाकिस्तान से करेंगे और कहेंगे मजबूत हो गया भारत, तो ऐसा कभी नहीं चाहता था भारत। रह गई बात, ये आपकी चाहत है हिंदू मुस्लिम लड़वाना, तो लड़वाते रहिए। देश की जनता समझ चुकी है, आपके मुखौटे उतर चुके हैं। आज से कुछ दिन पहले आप बाघ और चीता भी ला करके जंगल में छोड़ रहे थे, उस पर भी वाहवाही लूट रहे थे, राफाइल का भी आप दमस दिखा रहे थे। आज देश की जनता ने आपका पूरा हवा निकाल दिया है, अब ये फुग्गो से काम चलने वाली नहीं है, राहुल गांधी जी के वचनों पर विश्वास करने वाली है देश की जनता। जानती है GST से क्या खतरा होगा देश को, जानती है कि कोरोना वैक्सीन से क्या होने वाला है, जानती है कि देश पे अर्थव्यवस्था की संकट आने वाली है। तो अब जो है बिना तुक्का और बिना सर पैर का बात करना आलोक भाई छोड़ दें, इस तरीके की बातों से जनता के बीच में एक बहुत अच्छी छवि नहीं जाती आपकी। जी आलोक जी, लगातार जो है आपके विपक्ष की ओर से यही बातें क्यों कही जाती है कि बीजेपी जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराना चाहती है। नीता जी, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार है और खासकर 2017 से जी NCERT का रिकॉर्ड है, एक भी दंगा इस देश में नहीं हुआ है। ये है हमारा हिंदू मुस्लिम एकता का रिकॉर्ड, एक दंगा नहीं हुआ है 2017 से। सर नई दिल्ली में हुए हैं सर 2019 में, वो दंगे नहीं थे, वो हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं था, वो कुछ लोगों अराजक तत्वों द्वारा वहां पर उपद्रव किया गया था, कोई हिंदू मुस्लिम में लड़ाई नहीं हुआ था वहां पे। आप जिस दिल्ली की चर्चा कर रही हैं मुझे अच्छी तरीके से वाकिफ है, वो दंगा नहीं था, कहीं भी कोई दंगे नहीं हुए, कोई मारकाट नहीं हुई। जी छवि राज जी, जवाब दीजिए। सर कह रहे हैं कि 2017 के बाद किसी भी तरीके का कोई सांप्रदायिक दंगा जो है वो नहीं देखा गया है। NCERT का डाटा उठा के देख लीजिए,
वहाँ खालिस्तानी आए थे इनके हिसाब से। हमारे देश की गरीब जनता जो है, जो कृषि पर आधारित है और कृषि पर जीती है, वो जब वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे उसको ये नैतिकता के आधार पर सही मानते हैं। आप वो ध्यान कर ले, जब संसद के सदस्य, कुछ सदस्य जब वहाँ प्रदर्शन करने के लिए जुट जाते हैं और 2500 पैरामिलिट्री फोर्सों को उतारना पड़ता है इनको, वो दंगा की स्थिति नहीं है? अरे फिर भी मैं बारंबार धन्यवाद देता हूँ इस देश की जनता का, भारत की अखंडता का, कि इन्होंने एक अच्छा परिचय दिया है एक बुद्धिमान प्रधानमंत्री को देखते हुए। जनता ने समझ लिया कि अंधेर नगरी चौपट राजा, और क्या हो सकता था, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। ऐसी स्थिति में जनता ने खुद पे नियंत्रण रखा है और देश में चाहे जितना भी उन्माद फैलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की हो, संवेदनशील हमारी है भारत की जनता, कहीं ना कहीं पूरी बातों को समझ चुकी थी। बावजूद इसके मैं इनको समझा दूं कि दंगा ये मणिपुर को नहीं मानते, इनको स्वाति महिवाल की बातें याद आती हैं। अचानक से भाईचारा और भाई प्रेम उभर पड़ता है, तो मणिपुर में हुआ यह दंगा, और इसको आप किस रूप से देखते हैं? क्या इसे बराबर आप न्योता देते हैं, निमंत्रण देते हैं कि ऐसे दंगाइयों को, जो देश की बेटियों को नंग धड़ंग स्थिति में घुमाते हो, उनको दोबारे आपके तरफ से न्योता देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? आज वहाँ कश्मीर में आप नहीं, मैडम एक लाइन और सुन लिया जाए, कश्मीर में आज चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और किस बात की दुहाई देते हैं? अरे क्या बरगला रहे हैं साहब। कुछ बात ऐसी होती है जो राजनीतिक जीवन में है, जनता का मर्यादा है और जनता के सामने जाने लायक रहिए। शर्म होनी चाहिए, हया होनी चाहिए। हया के सारे पर्दों को उखाड़ फेंकने वाले ये क्या जानेंगे कि दंगा किसको कहते हैं और किसको नहीं कहते हैं? खुद का नंबर खुद ही लिखते हैं और खुद के रेस में खुद ही दौड़ते हैं। बिल्कुल छविराज जी, मेरा अंतिम सवाल है आपसे, जिस तरीके से आप 6 चरणों के मतदान पूरे हो चुके हैं, आखिरी चुनाव जो है, आखिरी जो वो है वो 1 तारीख को है वोटिंग, तो इसको देखते हुए इंडिया अलायंस जो है कहां तक सफल होता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश के हर एक बच्चों को सिखाया है सट्टा, तीन पत्ती, इन सब चीजों का प्रचार खुलेआम तौर पर चल रहा है, तो मैं भाई आलोक जी को रिपोर्ट दे दूं कि सट्टा बाजार भी अपना कहीं ना कहीं 339 जो है, 339 के तरफ दिखा रहा है सट्टा बाजार। तो देश के सटोरियों को, जिन्होंने 10 साल तक सटोरियां ही पैदा की हैं, उनके सटोरी भी आज बता रहे हैं कि 349 से ऊपर का आंकड़ा है। हालांकि हर जगह ईवीएम में खराबी और किसी भी बटन को दबाने पर कमल छाप का निशान आने के बावजूद, मैं इस देश की जनता पर पूर्ण विश्वास करते हुए आपको यह आशा दिलाना चाहता हूं कि 1 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का नकाब उतार देगी यह जनता और चुनाव की इस रणचंडी में उनकी आहुति देगी यह जनता। जी और भारत की जनता की जय हो, तो इस गर्मी में भी। निकिता जी, मैंने आपको कहा ना, सरकार बनाने का नंबर हमको जनता के आशीर्वाद से मिल चुका है। अब आगे की जो कवायद है वो और रिकॉर्ड बनाने की कवायद है। अगर जनता कांग्रेस के साथ होती या इस गठबंधन के साथ होती तो एक बार ये सड़कों पे आके दिखा दें कितनी जनता इनके साथ सड़कों पे आती है। ये एयर कंडीशन में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहीं से मैनिफेस्टो बना लेते हैं, वहीं से देश के सामने 6-6 मैनिफेस्टो पेश कर दिए हैं, बोल रहे हैं कि जब जीत के आएंगे तब तय कर लेंगे कौन प्रधानमंत्री होगा। क्या राहुल गांधी को किसी विरोधी दल ने अपना नेता माना है? किसी भी विरोधी दल ने अभी तक कहा है कि राहुल गांधी हमारे नेता होंगे? अपने मुंह मियां मिट्ठू अपने से ही अपने को घोषित कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के मुकाबले, ये मीलों कोसों पीछे हैं। और 4 जून को कमल खिलेगा, प्रचंड बहुमत से कमल खिलेगा, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो टक्कर में, कहीं कोई संशय नहीं है, देश की जनता फिर एक बार मोदी सरकार लाने जा रही है। ठीक है सर, आप दोनों का तमाम हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से देश में 6 चरणों का मतदान जो है वो पूरा हो चुका है और अब आखिरी चरण का मतदान बचा है, जो कि 1 तारीख को होने वाला है और जिसके बाद 4 जून को आखिर किसकी होगी सरकार, इससे पर्दा उठ जाएगा। तो जिस तरीके से लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।